शादी की सालगिरह मुबारक हो तुलिका दी, मेरी भाभी ने मुझे फ़ोन पर मुबारकबाद देते हुए कहा। शादी की सालगिरह मुबारक हो बेटा, दामाद जी कहाँ हैं? पापा ने भी फ़ोन पर मुबारकबाद देते हुए पूछा। पापा वे ऑफिस गए हैं। ठीक है बेटा, मैं उनसे बाद में बात कर लूँगा। मेरी छोटी बहन कनिका और उसके पति परेश सबने मुझे बधाई दी, पर मेरे पति रवि ने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। आज हमारी शादी की सालगिरह है और रवि को कोई उत्साह नहीं है। माना कि उन्हें ऑफिस में बहुत काम होता है और सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, पर शादी की सालगिरह कौन सी रोज़ रोज आती है। रवि कह कर गए थे, तुलिका आज मैं जल्दी आ जाऊँगा, हम बाहर ही खाना खाएंगे। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात, रवि अभी तक नहीं आए। हो सकता है मेरे लिए कोई उपहार खरीद रहे हो, इसलिए देरी हो रही है। मन ही मन मैं सोच रही थी। माँ भूख लगी है, मेरी 5 साल की बेटी निया कहने लगी। वह सो ना जाए उससे पहले ही मैंने उसे कुछ बनाकर खिला दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे आते ही बोले, बहुत थक गया हूँ तुलिका, माफ़ करना लेट हो गया, अचानक मीटिंग हो गई। शादी की सालगिरह मुबारक हो मेरी जान, यह तुम्हारा उपहार, फूलों सी नाजुक बीवी के लिए गुलदस्ता। आज हमारी शादी को 6 साल हो गए और तुम अभी भी पहले जैसी ही लगती हो। पर मैंने उनकी किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और उनके लायक गुलदस्ते को एक तरफ रख दिया। फिर बोलने लगे, आज होटल में बहुत भीड़ थी, तुम्हारी पसंद का सारा खाना पैक करवा कर लाया हूँ, जल्दी से निकालो, जोर की भूख लगी है। जोर की भूख लगी थी तो बाहर से ही खा कर आ जाते, यह खाना लाने की तकलीफ़ क्यों की और इस गुलदस्ते पर पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। आप खा लीजिए, मेरी भूख मर गई, मैं सोने जा रही हूँ, माफ़ी तो मांग ली, अब क्या करूँ। बॉस ने अचानक मीटिंग रख दी तो क्या करता, मुझे भी बुरा लग रहा है। खाना खा लो तुलिका, भूखी मत सो, रवि बोले। कितना कहा पर मैं नहीं मानी और भूखी सो गई। मैं रात भर रोती सिसकती रही कि किस बेवकूफ़ से मेरी शादी हो गई। शादी के 6 साल पूरे हो गए पर आज तक कभी मुझे मनचाहा उपहार नहीं दिया। मैंने सुबह से कितना इंतज़ार किया, कम से कम होटल में तो खिला ही सकते थे। आज तक कौन सी बड़ी खुशी दी है मुझे, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए तरसती आई हूँ। एक मेरी बहन का पति है जो उसे कितना प्यार करता है। भूख से नींद भी नहीं आ रही थी, सोचा कुछ खा लूँ, पर मेरा गुस्सा भूख से ज़्यादा तेज था। एक गिलास ठंडा पानी पीकर मैं सोने की कोशिश करने लगी पर नींद नहीं आ रही थी। क्या कभी रवि को महसूस नहीं होता कि मैं क्या चाहती हूँ? फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। गुड मॉर्निंग मेरी जान, कहकर रवि ने मुझे पीछे से पकड़ लिया जैसे हमेशा करते हैं। आज रवि की पकड़ से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेरे बदन पर बिच्छू रेंग रहे हों। मैंने उन्हें धक्का देते हुए कहा, झूठे प्यार का दिखावा करना बंद कीजिए, इतने भी सीधे और सरल नहीं हैं आप जितना दिखाने की कोशिश करते हैं। अब जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ। हाँ मुझे पता है, कल मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, पर मैं क्या करूँ तुलिका, नौकरी भी तो ज़रूरी है। अचानक मीटिंग रख दी बॉस ने, अब बॉस से जवाब तलब तो नहीं कर सकता ना, इसी नौकरी पर तो रोजी रोटी चलती है हमारी। रवि बोले, कौन सा महीने का लाख रुपए देती है यह नौकरी? आज तक कौन सी बड़ी खुशी दी है आपने मुझे? बस 2 वक्त की रोटी, तन पर कपड़ा और यह घर, इसके अलावा कुछ भी तो नहीं दिया है। मैंने गुस्से में कहा, बस इन्हीं 3 चीज़ों की तो ज़रूरत है हम सब की ज़िंदगी में, किसी किसी को तो ये भी नहीं मिलती है तुलिका। जो भी हमारे पास है उसी में खुश रहना सीखो, अब छोड़ो यह गुस्सा, गुस्से में तुम अच्छी नहीं लगती हो। चलो आज कहीं बाहर घूमने चलेंगे और बाहर ही खाना खाएंगे, तुम कहो तो फिल्म भी देखेंगे, आज छुट्टी का दिन है। यार अब छोड़ो यह गुस्सा, मुझे कहीं नहीं जाना है, दोबारा बोलने की कोशिश भी मत कीजिएगा, पछता रही हूँ आपसे शादी करके। पता नहीं क्या देखा था मेरे पापा ने आप में, कितना कुछ लेकर आई थी मैं, सभी कुछ आपके परिवार वालों ने रख लिया, कितने अरमान संजोए आई थी ससुराल में, सब चकनाचूर हो गया। अब मुझे जो भी ज़रूरत होगी अपने पापा से मांगूंगी, आपसे उम्मीद करना ही बेकार है, आप जैसे आदमी को तो शादी ही नहीं करनी चाहिए, जो मन में आया वह बोले जा रही थी। रवि ने मुझे बहुत मनाने की कोशिश की पर मैं अपने गुस्से पर कायम थी। रविवार की छुट्टी ऐसे ही बीत गई। शाम को निया बाहर घूमने की जिद करने लगी, रवि उसे घुमाने ले गए। मुझे भी कितनी बार कहा रवि ने पर मैं नहीं गई। तभी भाभी का फोन आया, भाभी प्रणाम, तुलिका कैसी है, आप दोनों को परेशान तो नहीं किया ना? अरे नहीं भाभी, कहिए ना, कनिका अपने पति के साथ आई हुई है।
तो पापा चाह रहे थे कि अगर कुछ दिनों के लिए आप सब भी आ जाते तो अच्छा लगता। भाभी ने मुझसे कहा, हाँ भाभी देखती हूँ, वैसे भी आप सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। कह फोन काट कर मैं सोचने लगी कि कितनी खुशहाल है कनिका। कुछ दिन पहले ही सिंगापुर घूम कर आई है अपने पति के साथ, और एक मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए पापा के पास चली ही जाऊँ। कम से कम कुछ दिनों के लिए इस घर के काम से दूर तो रहूँगी, और फिर मुझे अपने पति को सबक भी सिखाना था जो सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना जानते हैं। माँ कह कर निया मुझसे लिपट गई, कहाँ कहाँ घूमी, क्या क्या खाया सब बताया। फिर बोली, पापा आपके लिए भी आइसक्रीम लाए हैं, मुझे नहीं खानी है। जाओ बोल दो अपने पापा को कि वही खा लें, और यह भी बोलना कि तुम और मैं नाना के घर जाएंगे, टिकट करवा दें। पापा हमें नाना के घर जाना है, माँ ने बोला है कि टिकट करवा दो। निया बोली, आपकी माँ आपके पापा से गुस्सा है, इसलिए पापा को छोड़कर जाना चाहती है। ठीक है, मैं टिकट करवा दूंगा। रवि मेरे तरफ देखते हुए बोले। रवि जब मुझे और निया को ट्रेन में बैठाकर अपना हाथ हिलाने लगे और ट्रेन भी अपनी गति पकड़ने लगी, तो निया पापा पापा कह कर चिल्लाने लगी। रवि का चेहरा उदास हो गया, वे मुझे ही देखे जा रहे थे। तभी लगा कि आवेग में आकर कहीं गलती तो नहीं कर रही हूँ मायके जाने की, पर ट्रेन की रफ्तार तेज हो चुकी थी। पूरा रास्ता यही सोचती रही कि इतना नहीं बोलना चाहिए था मुझे। सुबह ही हम पटना पहुँच गए, सबसे मिलकर अच्छा लगा। पापा तो बहुत खुश हुए, सब रवि के बारे में पूछने लगे, तो मैंने कह दिया कि उन्हें काम था इसलिए नहीं आ पाए। यहाँ आए 4-5 दिन हो गए। रवि रोज सुबह शाम फोन करते। एक रोज कनिका ने पूछ ही लिया कि रवि ने सालगिरह पर मुझे क्या उपहार दिया, तो मैंने हंस कर टाल दिया। कनिका और परेश हमेशा यही जताने की कोशिश करते कि दोनों में बहुत प्यार है। पापा ने ही दोनों के टिकट करवाए थे सिंगापुर जाने के लिए। पापा ने रवि से भी पूछा था कि कहीं घूमने जाना हो तो टिकट करवा दूँ, पर मेरे पति तो राजा हरिश्चंद्र हैं, उन्होंने मना कर दिया। एक रात पापा और भाभी भैया किसी शादी में गए थे। निया और मैं कमरे में टेलीविज़न देख रहे थे। दीदी मैंने खाना बना दिया है, मैं अपने घर जा रही हूँ, काम वाली कह कर चली गई। थोड़ी देर बाद निया के खाने का वक्त हो गया। निया सो ना जाए यह सोचकर मैं किचन में खाना लेने जाने लगी कि तभी कनिका के कमरे से हंसने की और अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ये कनिका भी ना, कम से कम कमरे का दरवाज़ा तो लगा लेती, मैंने सोचा। परेश के साथ अभी उसे समय मिला, मैं बुदबुदाई, पर जैसे ही मैं किचन से खाना लेकर निकली तो मैंने देखा कि कनिका तो बाहर से आ रही है। कनिका तुम तो तुम्हारे कमरे में कौन है, तुम कहीं बाहर गई थी, मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ दीदी मैं पड़ोस की स्वाति भाभी के घर गई थी, कब से बुला रही थी, देखो ना कितनी देर तक बैठा लिया। कनिका निया के लिए खाना लेकर मेरे कमरे में आओ ना, जरा कुछ बातें करनी है तुमसे, मैंने हड़बड़ाते हुए कनिका के हाथ में खाने की प्लेट थमाते हुए कहा। मुझे लगा कहीं कनिका कुछ ऐसा वैसा देख ना ले, पर कौन है कमरे में। जैसे ही मैं पलटी देखकर दंग रह गई। सोना अपने ब्लाउज का बटन लगाते हुए कनिका के कमरे से निकल रही थी, उसके बाल और कपड़े अस्त व्यस्त थे। मुझे देखते ही सकपका गई और भाग गई। परेश का शारीरिक संबंध एक नौकरानी के साथ, छी दीदी निया का खाना ले आई, कुछ बातें करनी थी आपको मुझसे। उफ दिमाग से निकल गया कि क्या बात करनी थी, सुबह कर लूँगी, अभी तू जाकर आराम कर। ठीक है दीदी, उफ क्या समझा था मैंने परेश को, और वह क्या निकला, अब तो परेश से घिन आने लगी है। और यह कनिका अपने पति की बड़ाई करते नहीं थकती है, रवि तो मेरी खुशी में ही अपनी खुशी देखते हैं, और मैंने कितना कुछ सुना दिया उन्हें, आज तक कभी उन्होंने पराई औरत की तरफ नज़र उठा कर नहीं देखा। मुझे रवि की याद सताने लगी, मन हुआ कि अभी फ़ोन लगाकर बात कर लूं। सुबह जब रवि का फ़ोन नहीं आया तो मैंने ही फ़ोन लगाया, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। बार बार फ़ोन लगा रही थी पर वे नहीं उठा रहे थे। मेरा मन बहुत बेचैन होने लगा, अब मुझे चिंता भी होने लगी, इसलिए मैंने उनके ऑफिस में फ़ोन किया, तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रवि आज ऑफिस नहीं आए और कल भी जल्दी चले गए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। यह सुनकर मुझे और चिंता होने लगी। पापा रवि की तबीयत ठीक नहीं है, अभी ऑफिस से पता चला, इसलिए मैं कल की गाड़ी से चली जाऊंगी, मैंने पापा से कहा। कोई चिंता की बात तो नहीं है ना, मैं हवाई जहाज़ की टिकट करवा देता हूँ, पापा ने मुझसे कहा।
मैंने सोचा कि जो बात मेरे पति को नहीं पसंद वह मैं नहीं करूंगी। अतः बोली, नहीं पापा, मैं ट्रेन से चली जाऊंगी, आप चिंता ना करें। रास्ते भर में परेशान ही रही कि क्या हुआ होगा, ऐसा लग रहा था कि उड़कर अपने घर पहुंच जाऊं। करीब 7 बजे सुबह हम अपने घर पहुंच गए। मैं बार बार दरवाज़ा खटखटा रही थी, पर रवि दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। फिर मैंने घर की दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला, अंदर गई तो देखा रवि बेसुध सोए थे, उनका बदन बुखार से तप रहा था। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने रवि को इंजेक्शन दिया, धीरे धीरे उनका बुखार उतरने लगा। जब उनकी आंखें खुली तो चौंक कर बोले, अरे तुम, मैंने तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा, इसलिए बताया नहीं, माफ़ कर दो कि मायके से जल्दी आना पड़ा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ही गलत थी। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, फिर सोचने लगी कि मैं अपने अरमान उन पर लादती रही, कभी रवि के बारे में नहीं सोचा। कितने सौम्य, शालीन और सुव्यवस्थित किस्म के इंसान हैं मेरे पति, कितना प्यार और समर्पण दिया रवि ने मुझे, पर मैं ही अपने पति को पहचान नहीं पाई। अब कुछ मत सोचो तुलिका, जो हुआ उसे भूल जाओ, हम दोनों एक हैं और कभी अलग नहीं होंगे। मैंने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया, सच में हम दोनों एक दूजे के वास्ते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में, धन्यवाद।